सबको यहाँ पर बुलाया। आज खान साहब को सुनने का दिन है। मिनिस्ट्रियों के हवाले से तो हम बात करते रहेंगे कि मिनिस्ट्री के नीचे क्या आता है, हाउसिंग के नीचे क्या, हाउसिंग क्या कर रही है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह इसका लिंकेजेस जो है वो कायम किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आते हैं या टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा होता है तो अपना एक एम सेट करता है अपने आने वाले वक्त के लिए कि उसने किस जगह जाकर तो अपने आप को पाकिस्तान के लिए सर्व करवाना है। तो आज एक डायरेक्शन जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, उनके लिए है कि आपने पाकिस्तान के लिए, जो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, अपने मुल्क के लिए सर्व करना है, और किस अंदाज में करना है, किस तरह से करना है, वो आज एक रोड मैप इंशाल्लाह आपको देंगे। सो डैट कि जब तक स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तामीर के अंदर नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान पीछे की तरफ चला जाएगा। और आपने देखा है कि शायद हम स्टूडेंट्स जितने भी आप तशरीफ फरमा हैं, आप पढ़ाई के ऊपर ज़रूर फोकस करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स का हमारा होता है कि हमारा जो बच्चा और बच्ची है वो एक जो उसको मकसद दिया गया वो मकसद में कामयाब और किसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन बहरहाल हमने ये देखना है अल्टीमेटली कि क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्या हम लोगों की सोच को बदलने जा रहे हैं जो एक स्टेटस को के तहत इस मुल्क के ऊपर मसल्लत है, क्या हम उनसे बाहर अपने आप को निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है कि अगर इस मुल्क ने हमें एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा दिया तो फिर हमारा क्या काम है, हमने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करनी है कि आने वाले वक्त के लिए मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। इंसान की जब तक सोच नहीं बदलती कुछ नहीं बदलता, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है इस मुल्क के लिए कि हमने क्या करना है। आज हम हुक्मरानों की वजह से या हमारे चुप रहने की वजह से या हमारी नाहलियों की वजह से आज पाकिस्तान पीछे रह गया। अगर हमने पहले दिन से बोलना शुरू किया होता पाकिस्तान के लिए, अपने राइट्स के लिए, और जो गलत है उसको गलत कहा होता तो आज पाकिस्तान इस स्टेज पे ना होता, बल्कि पाकिस्तान किसी और स्टेज पे होता। आज हम भी कह रहे होते हैं कि मेरा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल है। आज बदकिस्मती ये है कि हम अपने मुल्क को, हम जो तालीम हासिल कर लेते हैं, हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करके एक जगह बैठ जाते हैं कि बस मेरा गुजारा हो रहा है, मुल्क का क्या हो रहा है हम उसके बारे में नहीं सोचते। मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क है तो हमारा वजूद है, मुल्क है तो सारी चीज़ें हैं। आज मुल्क की वजह से मैं एज ए मिनिस्टर हूँ, अब जो स्टेज पर बैठे हैं आप, एज ए स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, ये मुल्क की बदौलत है। तो हमने ये देखना है कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की है, कि किस तरह से हमने मुल्क के बारे में सोचा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है वो अपने मुल्क के लिए दर्द दिल के साथ सोचता है, यहाँ पर टीचर हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स भी हो, ख्वातीनों हजरात हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें स्टेटस को से बाहर आना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ ना करूँ तो ठीक है मेरे मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे तब भी फर्क पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे तब भी फर्क पड़ता है। तो ना करने से मुल्क के बारे में कुछ करना बेहतर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आज इमरान खान साहब का जो बयानियां हैं स्टूडेंट्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए, अपने मुल्क की उस सिमत के लिए कि जो हम समझते हैं कि जिस सिमत के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जन्ना ने इसको बनाया था और अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, उस सिमत के लिए आज इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो आए तो उनका खिताब सुने इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि इनका एक लेक्चर जो है, एक जो आज वो अपना